बताया कि सीएम ने मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच होगी और इस दौरान बैठक में तमाम मंत्रीगण मौजूद थे। और अब हम आपको वो बयान सुनाएंगे कुछ देर के बाद मंत्री आलमगीर आलम का कि उन्होंने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। देखिए, ये बैठक पूरे झारखंड के विस्तृत चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अभी भी बहुत लोग जो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका समीक्षा बढ़िया से करना चाहिए और ग्रामीण अंचल में लोग भूखे नहीं मरे उसके लिए भी हम लोग को समीक्षा करना चाहिए। और जिस तरह लोगों के बीच में पैनिक का वातावरण बना हुआ है उसको भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ रबी फसल बनकर तैयार है, लोग खेत में नहीं जा पा रहे हैं, 2 बीघा 4 बीघा जमीन है उसमें गेहूं वगैरह लगाए वो काट नहीं पा रहा है, उसके लिए भी एक निर्देश होना चाहिए। यही सब का चर्चा हम लोग देखे हैं। हम उसके बारे में है कि और ही आदमी को यहाँ पर जो है अपना घर में रहना पड़ेगा, इसलिए सचेत करना पड़ेगा लोगों को, बस इसी बात हुई। मुख्यमंत्री और ब्लॉक के वर्षा भी चल रहा है, बातचीत चल रही चर्चा में। बोले ना, खाद्यान्न जो सब जगह पहुंचे, जो लोग एपीएल है बीपीएल के लोग हैं, एपीएल का भी कार्ड है, वो भी बहुत ऐसा गरीब जो लोग था सिर्फ उसको एपीएल कार्ड मिला था, केवल लेते थे, वैसे परिवार को भी अनाज पहुंचाया जाए। ऐसे नहीं, नहीं सब उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मनरेगा तो 202 रुपया बढ़ा हुआ है और हमने आपको बताया कि जो आपका फरवरी मार्च का जो बाकी बकाया था वो 3 तारीख तक लोगों को पेमेंट हो जाएगा। वो तो केंद्र सरकार करते हैं, उसको चिट्ठी किया गया है, ये भेजा गया है कि जो लोग मजदूर बैठे हुए हैं और उसको मनरेगा के तहत जो जिसका जॉब मिलता था कार्ड है वैसे लोगों को 202 रुपया जो अभी नया आवाज है उसको मिलना चाहिए, इसलिए पत्रचार किया गया है। सर, आज बाबूलाल ये है राजभवन में राज्यपाल माफी के मामले को लेके कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और उन लोगों को कार्रवाई हो, मामला दर्ज हो, तरह तरह की बातें मेल किया है राजभवन में, उन्होंने तो जवाब दे दे जो उनका ही मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री हजार वर्ष लेकर जो यूपी का बॉर्डर से दिल्ली से लेकर गया उसका तो जवाब वो लोग दे, फिर उसके बाद मेल भेजते रहेगा। निःशुल्क कर दिए हैं उसको सभी, जब कोई कन्फ्यूजन था कि पुराने में पैसा लिया जाएगा और नए में नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी केंद्रों में पैसा नहीं लिया, निःशुल्क होगा। एक और ये भी हम लोग मुख्यमंत्री से चर्चा किए कि कैसे हम अनाज तो भेज रहे हैं लेकिन लोगों तक पहुँचे भी ये है ना, ये नीचे के लोगों पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता कि हम दे दिए डीलर को और बांट ही दिया, ऐसा विश्वास नहीं कर, तो निगरानी रखनी होगी, उसी पर चर्चा चल रही थी। निगरानी है कि अपना लोग मुखिया है, मुखिया देखेंगे जाकर के उनके सामने बांटा जाएगा, ये और लोग हैं मानिंद लोग हैं उनके सामने बांटा जाएगा, हाँ पंचायत में हाँ इन्वॉल्व करेंगे, उस पर है चर्चा हुई, उस पर बात होगी, वो तो मंत्रिपरिषद उस पर विशद चर्चा उस पर होगी।